दोस्तों बांग्लादेश की टीम इस समय भारत में है। अभी इनको 3 T20 आईज मुकाबले खेलने के बाद अफगानिस्तान के साथ में एक सीरीज खेलनी है। ये सीरीज जो है वो अगले महीने में यानी कि नवंबर के महीने में खेली जाएगी। अफगानिस्तान टीम इस सीरीज को होस्ट कर रही है यानी कि UAE के स्टेडियम में ये सारे मुकाबले खेले जाएंगे। अगर इन मुकाबले से पहले दोनों टीमों की बात कर ली जाए तो बांग्लादेश टीम जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन टीम है। ODI और T20 मुकाबले की बात की जाए तो ये टीम किसी भी एक दो प्लेयर पर डिपेंड नहीं करती है। इस टीम के सभी प्लेयर जो है परफॉर्मेंस करते हैं तब ये टीम जीतती है। लेकिन जिस प्रकार इनका एटीट्यूड था पिछले कुछ महीनों में उससे यही लगा कि ICC के किसी भी इवेंट में भाग सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि नाम हो जाए कि हमने भाग लिया है। बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहा है। टीम में काफी ज्यादा फेरबदल की गुंजाइश है। इस टीम को नए सिरे से रीबिल्ड करने की जरूरत है। जब तक ये टीम रीबिल्ड नहीं हो पाएगी तब तक इस टीम का प्रदर्शन जो है उस लेवल का नहीं रहेगा जिस लेवल का प्रदर्शन इस समय अफगानिस्तान टीम कर रही है। अगर अफगानिस्तान टीम की बात की जाए तो अफगानिस्तान टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में वो काफी ज्यादा उम्दा रहा है। ये टीम 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से लगातार अपने परफॉर्मेंस में सुधार करती जा रही है। इस टीम को देख के बिल्कुल यही लगता है कि आज की डेट में ये पाकिस्तान की जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान का जो दबदबा हुआ करता था कई सालों पहले वही सेम हालत इस समय अफगानिस्तान टीम की है। अफगानिस्तान टीम सभी बड़ी टीमों को हरा चुकी है सिवाय इंडिया के अलावा इन्होंने न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका इन सारी टीमों को हराया हुआ है। इसके अलावा आने वाले टाइम में पूरी उम्मीद है कि ICC के कोई भी ट्रॉफी अपने नाम पर जरूर कर ले। तो बहरहाल अगर इस सीरीज की बात करें तो सीरीज में टोटल 3 ODI मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला खेला जाएगा 6 नवंबर 2024 को, दूसरा ODI मुकाबला खेला जाएगा 9 नवंबर 2024 को, तीसरा और आखिरी ODI मुकाबला खेला जाएगा 11 नवंबर 2024 को। ये सारे मुकाबले शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ही खेले जाएंगे यानी कि UAE के स्टेडियम में ये सभी मुकाबले खेले जाएंगे। भारत में इसका लाइव ब्रॉडकास्ट होगा कि नहीं होगा ये आने वाले दिनों में जो भी जानकारी आएगी वो जानकारी मैं आपको लाके देने की कोशिश जरूर करूंगा।